नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि जय हिंद दोस्तों, आज के टॉप हेडलाइंस हैं। HAL ने तेजस मैक्स कॉकपिट पर काम किया शुरू। नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल भारत में ही बनेगी और इसका एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। भारतीय सेना के लिए बनने जा रहे हैं रोबो बुल। भारतीय वायुसेना ने स्वान ड्रोन्स के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया है 5 स्टार्टअप फर्म से। स्वदेशी रूप से तैयार किए गए दो कोर इंजन STFE-25 और STFE-1200 ने पूरा किया सी लेवल ट्रायल्स को। मॉरिशस भारत से ले रहा है हिंदुस्तान 228 कमर्शियल एयरक्राफ्ट को। भारतीय वायुसेना 350 विमानों को खरीदने पर विचार कर रही है अगले दो दशकों में। चीन के बाद पाकिस्तान ने भी अब भारत के साथ लगती सीमा पर अपने जनरल को बदला। पहली अपडेट HAL को लेकर आ रही है। HAL ने तेजस मैक्स के कॉकपिट के डिजाइन और डेवलपमेंट पर काम करना शुरू कर दिया है और ये मदरशिप प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा और इसे इम्बेड किया जाएगा एयर टीमिंग इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट पर और ये पूरी तरह से ऑटोनोमस यानी कि स्वचालित विंगमैन प्लेटफॉर्म और ये स्वार्म ड्रोन्स के साथ मिलकर काम करेगा किसी भी कॉम्बैट मिशन में और ये अगले 4 सालों में तैयार हो जाएगा। तेजस मैक्स एक ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट होगा और इसका दूसरा कॉकपिट काफी हाईली मॉडिफाई किया जाएगा जो कि कमांड एंड कंट्रोल का काम करेगा। वहीं कैट्स वॉरियर लो ऑब्जर्वर अनमैन्ड विंगमैन कैट हंटर्स एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स और कैट अल्फा लॉइटिंग मिशन के साथ ये काम करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन क्रूज मिसाइल अपने सारे ट्रायल्स को पूरा कर लेगी 2023 तक और ब्रह्मोस की नेक्स्ट जनरेशन क्रूज मिसाइल को लखनऊ फैसिलिटी में बनाया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स 400 ब्रह्मोस एनजी मिसाइलों को खरीदेगी जिनकी लागत करीबन 8000 करोड़ रुपए तक आएगी और ये मिसाइलें 5 सालों के अंदर डिलीवर की जाएंगी। यानी ब्रह्मोस एनजी के ऑर्डर के बारे में इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी से भी बातचीत चल रही है। इसके अलावा जो नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस बनेगी उसका एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। इसके लिए अतिरिक्त यूनिटें बनाई जाएंगी जिनकी कीमत करीबन 10000 करोड़ रुपए के आसपास देखी जा रही है अगले 5 सालों के अंदर और इस तरीके से ये टोटल ऑर्डर हो जाता है 42 यानी कि 42000 करोड़ रुपए का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों की वित्तीय शक्तियों को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। यानी कि देश के सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए रक्षा सुधारों में सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। साफ है कि सरकार के इस कदम का मकसद सेनाओं के फील्ड कमांडर और उससे नीचे के अधिकारियों को तत्काल परिचालन जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने स्तर पर युद्ध उपकरण खरीदने के लिए मजबूत बनाना है। आपको बता दें कि आत्मनिर्भर भारत के अनुरूप स्वदेशीकरण अनुसंधान और विकास से संबंधित कार्यों के लिए मौजूदा शक्तियों में 3 गुना तक वृद्धि को मंजूरी दे दी गई है। इस संबंध में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा सेवाओं के लिए वित्तीय शक्तियां देने की मंजूरी दे दी गई है। इससे क्षेत्रीय संरचनाओं को सशक्त बनाकर परिचालन तैयारियों पर ध्यान देने के साथ ही तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ेगा। इससे सभी निचले स्तरों पर तुरंत निर्णय लेने के साथ ही सेनाओं की बेहतर योजना बनकर संचालन की तैयारी की गति तेज होगी। तीनों सेनाओं के उप प्रमुख की वित्तीय शक्तियों में 10% की वृद्धि की गई है जिसके अधिकतम सीमा 500 करोड़ रुपए तक है। भारतीय सेना ने शॉर्टलिस्ट किया है 3 प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस को जो कि भारतीय सेना के लिए रोबोमूल को बनाएंगी और इन 3 प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस में ड्रिल बॉट्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, रोबोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, काया वर्चुअलाइजेशन टेक प्राइवेट लिमिटेड है और इस तरह ये कंपनियां रोबोमूल रोबोटिक प्लेटफॉर्म को बनाएंगी जो कि बैटरी से संचालित होंगे। यही इसके लिए भारतीय सेना ने कुछ स्पेसिफिकेशन भी जारी की है जिसमें कि इसका एक कंप्लीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो कि इन रोबोमूल को कमांड एंड कंट्रोल कर सके। साथ ही कैरिंग केस और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए। बैटरी पैक के लिए एक स्पेस होना चाहिए। साथ ही बैटरी चार्जर और एक स्पेयर बैटरी भी इनके साथ होगी और टच पैड के लिए भी स्पेयर बैटरीज इसमें दी जानी है। यही इसके अलावा इस प्लेटफॉर्म में स्वदेशी सेंसर्स और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम होगा जिसमें कि GPS सेंसर्स, मोटर इनकोडर, लाइडार सिस्टम और इसके अलावा इसमें इंफ्रारेड कैमरा और सेंसर्स भी होने चाहिए। यानी कि भारतीय सेना अब आधुनिक बनने जा रही है जो कि इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स को अब कर रही है प्राइवेट फर्म्स के साथ जो कि एक लेवल आगे भारतीय सेना को ले जाएंगे और खास करके रोबोटिक के क्षेत्र में। इंडियन एयरफोर्स ने स्वार्म ड्रोन्स के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया है 5 स्टार्टअप फर्म्स के साथ। ये स्वार्म ड्रोन्स काइनेटिक पावर और लोड कैरिंग क्षमता के साथ होने चाहिए। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के अनुसार स्वार्म ड्रोन्स के 2 सेट्स लिए जाएंगे जिनकी कीमत करीबन 100 करोड़ रुपए होगी और ये जो टॉप 5 कंटेंडर्स हैं उनमें न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, वेदर डिफेंस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, राफेल एमफी प्राइवेट लिमिटेड, दक्षा अनमैन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड और फ्लेयर अनमैन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड है। इनमें से जो भी कंपनी यानी कि जो भी फर्म सेलेक्ट होगी उसे इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इसके निर्माण के लिए निर्देशित किया जाएगा जिसके बाद इसका एक बेहद कॉम्प्लेक्स सिस्टम तैयार किया जाएगा।
भारत के स्वदेशी रूप से तैयार किए गए दो कोर इंजन जिसमें कि 25 किलो न्यूटन का STFE-25 टर्बोफैन इंजन और STFE-1200 है जिन्हें कि HAL के द्वारा बनाया गया है और इन दोनों ही इंजनों ने अपना सी लेवल ट्रायल्स को सफलतापूर्वक पास कर लिया है और इनकी परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी रही है। यानी HAL ने एक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर बनाया है STFE-1200 को जिसका सी लेवल ट्रायल STFE-25 के साथ ही किया गया था। आपको बता दें कि ये इंजन आने वाले समय में 3.5 टन के सिंगल इंजन क्लास हेलीकॉप्टर्स को पावर देंगे। मॉरिशस HAL के द्वारा निर्मित हिंदुस्तान 228 कमर्शियल एयरक्राफ्ट को खरीदेगा वो भी भारत सरकार के द्वारा दी गई लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत। हाल ही में हिंदुस्तान 228 ने अपने ग्राउंड रन और लो स्पीड टैक्सी ट्रायल को पूरा किया है और इसे सिविल एविएशन के द्वारा मान्यता भी मिल गई है। ये कमर्शियल प्लेन डिजिटल कॉकपिट के साथ लैस है और इसमें काफी अत्याधुनिक उपकरण और सेंसर्स लगाए गए हैं जो कि पायलट्स को इमरजेंसी की स्थिति में अलर्ट्स भेज सकते हैं यानी कि उसे अलर्ट कर सकते हैं। भारतीय वायुसेना अगले दो दशक में 350 विमानों को खरीदने का विचार कर रही है। एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया जी ने इस बात की पुष्टि कर दी है। एक सम्मेलन के दौरान चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने कहा कि चीन से मिल रही चुनौतियों के मद्देनजर भारतीय वायुसेना की पूरी ताकत को और मजबूती देने के लिए विषम क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता है। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि उत्तरी पड़ोसी देश को देखते हुए हमारे पास आला दर्जे की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिन्हें सुरक्षा कारणों से हमारे अपने उद्योगों के द्वारा देश में ही बनाया जाना चाहिए। विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने पर जोर देते हुए एयर चीफ मार्शल जी ने कहा कि इसीलिए हम 350 विमान खरीदने वाले हैं और ये एक मोटा मोटा अनुमान है, हो सकता है कि हम इससे ज्यादा भी विमान खरीद सकते हैं लेकिन ये विमान स्वदेशी होंगे। वायुसेना प्रमुख ने आगे बताया कि तेजस हल्के लड़ाकू विमान परियोजना ने भारत में एरोस्पेस उद्योग में एक भरोसा पैदा कर दिया है और ये भी विश्वास जगाया है कि इसके और विकसित होने की असीम संभावनाएं हैं। दोस्तों एयरक्राफ्ट की जरूरत तो भविष्य में हमें पड़ेगी ही पड़ेगी क्योंकि समय के साथ टेक्नोलॉजी चेंज होती है और उसके हिसाब से हमें अपने आप को मॉडिफाई भी करना है। यानी कि सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारे विमान स्वदेशी रूप से ही विकसित किए जाएंगे और तेजस का नाम उन्होंने लिया है क्योंकि तेजस में असीम संभावनाएं हैं, इसको अपग्रेड करके काफी कुछ इसे किया जा सकता है। दोस्तों भारत की जियो स्ट्रैटेजिक सैटेलाइट भी सेनाओं की सभी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही है, ये खुलासा किया है भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ एयर मार्शल VR चौधरी जी ने। उनके मुताबिक भारत में पूरा स्पेस इकोसिस्टम सिविल प्रणाली का है और इसमें मिलिट्री भागीदारी काफी कम है। ऐसे में देश में सशस्त्र सेनाओं के लिए नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेक्नोलॉजी का अभाव है। एयर मार्शल चौधरी जी के मुताबिक पहली बार भारत को मिलिट्री सैटेलाइट्स की कमी कारगिल के युद्ध के बाद लगी थी। यही वजह है कि इस समय इसरो की कुल 20 सैटेलाइट्स हैं जिनमें से 8 का इस्तेमाल सैन्य रूप से किया जा रहा है लेकिन ये सभी जियो स्ट्रैटेजिक सैटेलाइट के अगले संस्करण में आने में इन्हें कम से कम 4 साल का लंबा वक्त लग जाता है। यही वजह है कि ये सैटेलाइट सशस्त्र सेनाओं की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाती है। वाइस चीफ ने कहा कि इसरो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी कि IRNSS के बारे में उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि इससे सेना के मिलिट्री ऑप्शंस कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि डिफेंस साइबर एजेंसी सशस्त्र सेनाओं की इन कमियों को पूरा करने में मददगार साबित हो सकती है। डिफेंस साइबर एजेंसी एक ट्राई सर्विस एजेंसी है जिसमें थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों की भागीदारी है लेकिन उसकी कमान एयरफोर्स के पास है, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। वाइस चीफ मार्शल ने बताया कि निकट भविष्य में इसरो सशस्त्र सेनाओं के लिए 5 और मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस समय वायुसेना का कमान एंड कंट्रोल सिस्टम हो या फिर AWACS-2 ही विमान सभी सैटेलाइट से जुड़े हैं लेकिन उन्होंने कहा कि अभी भी एयर और स्पेस में पूरी तरह से इंटीग्रेट होने की सख्त जरूरत है। चीन को देखते हुए अब पाकिस्तान ने भी अपना LOC की जिम्मेदारी संभालने वाला लेफ्टिनेंट जनरल बदल दिया है। पाकिस्तान ने जनरल अजहर अब्बास को प्रमोट करते हुए उसे अगला चीफ ऑफ जनरल स्टाफ नियुक्त कर दिया है। सेना में बड़े स्तर पर हुए इस फेरबदल को काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का पद सेना प्रमुख के बाद सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। सूत्रों के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल अब्बास बलूच रेजिमेंट से हैं। पाकिस्तानी सेना की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक वे लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की जगह लेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को जनरल हेडक्वार्टर्स में खुफिया तैनात की और परिचालन संबंधी कामकाज देखना होता है। यानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के अंडर में ही पाकिस्तानी मिलिट्री ऑपरेशंस और मिलिट्री इंटेलिजेंस निदेशालय भी काम करता है। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लेकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।